वहाँ पार्क में सुबह से लोग होलियाँ खेल रहे हैं और उधर से ही चलते हैं हम लोग। हो सकता है हमारे कपड़े देख के कोई हम पे रंग लगा। चलो इन उधर से चलना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग। मैं लगा देता हूँ, इतना क्या रंग का। कुछ लोग हमें कलर ही लगा देंगे देख के। Heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I want us to act like we are 22 right now. Just like a lose control, play songs on the radio too loud. रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से और रंग भर से चुनर नहीं रंग भर से। मेरी आवाज़ को थोड़ा ऐसे इग्नोर करते हुए हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बधाई हो होली की। एक्चुअली आज होली नहीं है, आज होली का जो जलाने वाला है वो वाला दिन है, कल है होली, बट हम लोग आज ही मना रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है, तो यहाँ पे होली आज मना रहे हैं, होली का इवेंट है। और सुबह भी यहाँ पे कुछ लोग होली खेल रहे थे आपको। हाँ, आर्य को बहुत होली खेलने का मन कर रहा है। और हम लोग कल भी गए थे होली खेलने के लिए, मतलब खेलने के लिए नहीं, हम लोग रैंडमली गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि कुछ हो रहा है कि नहीं। हमें लगा कि कहीं मुंबई की तरह हमारे साथ ना हो जाए कि मुंबई इवेंट है, तो होली इवेंट हमने सुना था। कल हम लोग CBD में एक जगह फेडरेशन स्क्वायर उसके पास देखने गए थे एंड एक्चुअली वहाँ पे होली का हो रहा था, सो वी वर सरप्राइज एंड 15-20 मिनट्स के लिए हम लोग वहाँ थे। इट्स अ फ्री इवेंट। आज हम लोग पर्टिकुलरली होली खेलने जा रहे हैं, हम लोगों ने कल वहाँ से टी शर्ट्स बाय किए थे तो वो टी शर्ट्स पहन के आज हम दिन में जा रहे हैं वहाँ पे। आरू की तो टी शर्ट नहीं ली, पर आरू की थोड़ी जो नील लगी वाली टी शर्ट है वो ऑलरेडी होली की हो रखी है। विनय आप बोलना चाहते हैं हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। जैसे हम लोग मेलबर्न में रह रहे हैं सब कुछ अच्छा होता है, पर जब फेस्टिवल आते हैं ना तब बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दिल को, क्योंकि जो फेस्टिवल्स के वक्त घर वालों की याद आती है। और इंडिया में ही इंडिया में ही होली खेलने का मज़ा है, इसको भी सब लोग मिस कर रहे हैं वहाँ पे और हम लोग सभी को मिस कर रहे हैं। तो नहीं ये किसी को नहीं मिस कर रहा, पर इसको सब लोग वहाँ पे मिस कर रहे हैं, नाना नानी दादा दादी दोनों और सारे घर वाले मिस कर रहे हैं और हम लोग मिस कर रहे हैं उन लोगों को। मतलब होली के दिवाली के वक्त भी मुझे पता है अभी बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि कोई नहीं होगा यहाँ पे, अभी तो लग नहीं रहा कोई आ पाएगा। फेस्टिवल्स के वक्त ये ड्रॉबैक है बाहर रहने का कि फेस्टिवल्स के वक्त तो एकदम ऐसे जाता है कि रोए बैठ के दो दिन चुप हो जाओ, इसको स्पेशली ये बोलने नहीं देता है। चलो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कल हम लोगों ने क्या किया था जब हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे वहाँ पे, और अभी आप लोग हमारे साथ चलिए होली खेलने के लिए मेलबर्न। यहाँ पे जो ये इवेंट हो रहा है, यहाँ पे ये फ्री एंट्री है, बस राइड्स वगैरह और स्टॉल्स लगे हुए, वहाँ पे आपको पे करके चीज़ें लेनी पड़ेगी, वैसे फ्री एंट्री है दो दिन के लिए। तो कल हम लोग सुबह, मतलब कल हम लोग जल्दी आएंगे 12:30, आज थोड़ा लेट आए आराम से क्योंकि 9:30 तक है, तो रात का भी आपको दिखा देते हैं और कल दिन का आप लोग देख लेना। एक्चुअली परसों है होली, तो बेसिकली कल होली खेलनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा वहाँ पे होली का, और देख के हम लोग सरप्राइज हो गए थे। हम लोगों ने तुरंत उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, कलर वलर खरीदे और लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कल का वेट नहीं करते, थोड़ा सा आज ही इंजॉय करके चले जाते हैं। Better let
अभी जा रहे राइड में। आरू को झूले देखकर बहुत एक्साइट हो गया था तो उसको दो झूले पे भी लेके गए थे। फिर उसके बाद एक में तो मैं उसके साथ गई थी और दूसरे झूले में वो अकेला गया था, तो पहले मुझे लगा था कि काफी डरेगा, पर ऐसा नहीं, उसने काफी एंजॉय किया था सेकंड वाला झूला भी। आरू जी सो गए हैं मम्मा की जैकेट डाल के। वापस जा रहे हैं अभी। वहाँ पार्क में सुबह से लोग होलियाँ खेल रहे हैं और उधर से ही चलते हैं हम लोग। हो सकता है हमारे कपड़े देख के कोई हम पे रंग लगा चलो इन्हें उधर से चलना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग। मैं लगा देता हूँ इतना क्या रंग का कुछ लोग हमें कलर ही लगा देंगे देख के जब हम लोग सेकेंड डे गए तो हमें एक बहुत फनी चीज देखने के लिए मिली। बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी उस दिन, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की लंबी लाइन थी, तो ऑलमोस्ट हर किसी को आधा घंटा ऐसा 1 घंटा लग रहा था अंदर घुसने के लिए। सेकेंड डे हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे, जैसे लास्ट डे हम लोग गए थे थोड़ा लेट, जैसे कि अराउंड 6 o'clock गए थे, 6-7 o'clock हम लोग ने एंट्री ली थी। पर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह गए थे तो हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक थे, खूब डांस किया हम लोगों ने, विनय ने बहुत डांस किया वैसे वो इतना डांस नहीं करते, पर आज बहुत डांस किया था होली के उसमें। और वहाँ पे हिंदी गाने बज रहे थे और सब लोग इंडियंस इतना डांस कर रहे, तो और भी बहुत मज़ा आ रहा था देख के, पूरे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मेलबर्न में, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में कहीं पार्टी हो रही है और डांस कर रहे हैं। डांस करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी खाने की, वहाँ पे से हम लोगों ने फ्राइज़ और विनय ने चिकन टिक्का ले लिया था। खाने के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी टाइम लगा हमें खाने लेने में, तो मैं डांस किए जा रही थी क्योंकि पास में ही डांस हो रहा था, मैं डांस करे जा रही थी।
डांस वांस करने के बाद हम लोगों ने नदी के पास बैठ के आराम से रिलैक्स होके फ्राइज और चिकन टिक्का खाया। काफी ज्यादा पेट भर गया उसको खाने से। टेंस खाना पीना हो गया हमारा। रिवर साइड पे खाना खा लिया था, वो फ्राइज राइस क्या थे आपके, क्या था? अभी हम लोग वापस जा रहे घर। हम लोग क्राउन के पास पहुंच गए। बस आज संडे है तो यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा होगा। बस अभी थोड़ा हम लोग पार्क में आरू को झूला वूला झुलाएंगे क्योंकि उसके झूले का टाइम हो गया। उसके बाद घर जाएंगे पार्क में आरू को खिला के। बहुत मज़ा आया इतने सारे इंडियंस को देख के। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे करोना, मतलब कहीं पे भी करोना है। इतनी भीड़, सब लोग एक साथ खा रहे हैं पी रहे हैं। भीड़ सब कौन सी चिड़िया का नाम है? सीरियसली कौन सी चिड़िया का नाम है? एकदम ही वहाँ तो देख के लग रहा था कि जैसे करोना फ्री हो चुका है वर्ल्ड, पहले क्या कभी आया ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। अभी हम लोग क्राउन के साइड में वॉक कर रहे हैं जहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा ही टिप टॉप आके बन के आते हैं और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं पागल जैसे। एवरीवन इज लाइक ये लोग कहाँ से आए हैं, ये बोल रहे हैं क्या? मैंने तो एक भी बोलते नहीं सुना। नहीं देख रहे हैं बट नो वन मतलब केयर्स यहाँ पे किसी के बारे में। हर किसी को दीदी भैया बना लेता। तो अभी इसको झूला झुला रहे और इसके बाद नहलाएंगे जाती और फिर वो सो सकता है ना। चाय इज रेडी। तो हम लोग आके नहाए वाए एकदम, बहुत टाइम लगा। ऑब्वियसली होली का जो टाइम नहाने का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो चुके हैं एकदम। अभी चाय पी लेते, वो भी क्लीन हो गया। और वो ऑब्वियसली उसको बोलना अच्छा नहीं लगता कि वीडियो में मैं बोल रही हूँ, तो वो अभी शोर मचा रहा है। मैं ज्यादा कुछ मिठाई वगैरह नहीं बना रही क्योंकि मेरे ने स्ट्रिक्टली मना किया है। वो थोड़ा भी डाइट वगैरह पे अपना ध्यान रख रहे हैं। फिर भी थोड़ी बर्फी और फिर कल बनाएंगे। आज तो होली जलाने वाला दिन था। इसी साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। आज मजा आया बट फिर भी घर को बहुत ज्यादा मिस किया, इंडिया को बहुत मिस किया, सबको पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, हम लोगों ने कैसे मनाया होली मेलबर्न में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक थम्स अप देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करे। मिलते मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। चलो।